आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और ये इतनी सारी आज आपने विमेन को ज्वाइन करवाया है बीजेपी। चुनाव में कुछ दिन रह गए, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, ये जनता ज्वाइन कर रहा है। ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पूछूंगी आपसे कि अभी तक बीजेपी ने असेंबली में कभी चुनाव जीता नहीं है, और ये एक ऐसा राज्य है जहां असेंबली और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। एक इलेक्शन का यानी कि विधानसभा इलेक्शन का लोकसभा इलेक्शन पर इम्पैक्ट रहता है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, कभी कभी दोनों परस्पर थोड़ा अलग भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार दोनों चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन मिलेगा। और मैं आपको कहूँ, हम भले ही पिछले विधानसभा में सीट ज़्यादा ला नहीं पाए, लेकिन हमारा वोट 18% से बढ़ के 32% तक पहुँचा था। इस बार हम लोग उसको 40 पार करेंगे, बहुमत की आंकड़ा हम पार करेंगे लोकसभा में। तो हम, मेरा कैलकुलेशन, हम 21-21 लोकसभा जीतेंगे, 45% प्लस वोट हम लाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी, 2009 में आप पहला चुनाव लड़े थे लोकसभा के लिए, देवगढ़ से आपने ये चुनाव लड़ा था। 15 साल उसके बाद लोकसभा और चुनाव की रणनीति में आप नहीं थे। एक असेंबली का चुनाव आपने लड़ा था, आप जीत नहीं पाए थे, उसके बाद राज्यसभा का दौर शुरू हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, ये लोकसभा में जनता के पास जाना, ये और राज्यसभा में रहकर तमाम मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो संभालना, इन दोनों में अंतर क्या है? मैं 2000 में 29 साल की उम्र में पहली बार विधायक बना, फिर मैं उसके बाद 2004 में लोकसभा जीता, 2009 की विधानसभा में उड़ीसा में हारा, फिर उसके बाद पार्टी ने मेरे को राज्यसभा में भेजा, दो बार राज्यसभा में भेजा। मैं लास्ट चुनाव जो 2009 में लड़ा था, उसके बाद फिर मैं उड़ीसा में 2024 की चुनाव लड़ने आया हूँ। 15 साल के बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव प्रत्यक्ष लड़ने का मेरा अनुभव 2000 से ही है, 24 साल से मैं खुद चुनाव में लड़ा हूँ, उसके पहले भी मैं मैं चुनाव में काम कर रहा, मेरा अनुभव मैं आपको कहूँ तो 84 की चुनाव से हम काम कर रहे हैं। लगभग कितने बरस के थे? मैं तब 16 बरस का था, मैं तब से पार्टी का काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से लोग कहेंगे एक लव अफेयर था बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच में। नवीन पटनायक की रोज प्रशंसा की जाती थी सेंट्रल लेवल पर, उन्होंने साइक्लोन कैसे हैंडल किया इसकी प्रशंसा की जाती थी, कई बिल्स में उन्होंने आपका साथ दिया जब आपके पास नंबर नहीं थे, फिर अलायंस की बात तक चली। अलायंस की बात होते होते ये लव अफेयर में कहीं ना कहीं टूट आ गई, और आज एक दूसरे के आमने सामने आप खड़े हैं। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि नवीन पटनायक जी बिना कागज रखे उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी नहीं बता सकते, ये कड़वाहट क्यों? नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, क्योंकि आप लोग राजनीति की परिभाषा को अपने तरीके से आंकते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। 1998 से यहाँ जो बीजू जनता दल बना, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अलायंस थी, अटल जी के नेतृत्व में एनडीए था उस समय में, ये हमारे साथ 2009 तक रहे। 9 में हमारी अलायंस टूटी, वो अलग लड़े, हम अलग लड़ रहे हैं, हम अपना राजनीतिक संगठन अलग कर रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा उठाया है आपने, कई चक्कर लगाए वीके पांड्यन ने, जिन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का और नवीन पटनायक जी के साथ काम करने का उनका लंबा इतिहास है, अब वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप कह रहे हैं कि वो आउटसाइडर है, तो क्या इनसाइडर है? उनकी जन्मभूमि उड़ीसा है, भारत की राजनीति में कोई एक राज्य की, देखो किस भारत में किसी को कहीं राजनीति करने किसी की आपत्ति नहीं। कभी तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिहार से चुन के आते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री यूपी से तो चुन के आते हैं, इसकी कहाँ किसी को आपत्ति है। लेकिन राज्य की नेतृत्व करने की बात हो, राज्य की अस्मिता की बात हो, राज्य की भाषा की बात हो, राज्य के विकास की बात हो,
तो सिर्फ वो राज्य का आदमी कर सकता है। स्वाभाविक है, बताइए ना, पिछले आप तो इतना अनुभव। पर वो तो उड़िया बोलते हैं। उड़िया बोलते हैं, अगर उसको आप उड़िया बोलते हैं तो मैं हाथ जोड़ के नाविका जी आपको, आप ही के माध्यम से उनको भी क्षमा मांग लेता हूँ अगर उड़िया ही बोलते हैं तो। मातृभूमि के लिए, जाति के लिए, भाषा के लिए, ये जाति ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है ना आने वाले दिनों में कॉम्प्रोमाइज करेगा। हमें क्या मुख्यमंत्री जी को 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में एक भी उड़िया विरासत को संभालने के लिए एक भी उड़िया नहीं मिला? और अलायंस टॉक्स, अलायंस कभी था ही नहीं। टॉक्स तो था हमारी ओर से, तो कभी नहीं था। कोई एक मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे तो वो बता पाएंगे हमारी ओर से कोई। आप कह रहे हैं दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं हुई थी? मेरी जानकारी में नहीं हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी, या तो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस 40 साल का इतना ज्यादा हो गया है कि आप सीधे मुंह से डिनाई कर रहे हैं, या तो मेरा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस 30 साल का कम पड़ गया कि मेरी खबर इतनी गलत है। मैं कौन होता हूँ? देखो, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई राजनीतिक अलायंस की प्रपोजल नहीं था। और हमने कभी, हमने मेरे प्रदेश अध्यक्ष, एक समय में जब सब अफवाह चला, एक द्वंद्व चला, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टता के साथ कहा है कि पिछले 10 सालों में फ्लोर ऑफ द हाउस आपने कई विषयों में हमें मदद किया, हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनेक वेलफेयर स्कीम उड़ीसा में लागू नहीं हो रहे हैं, अनेक कल्याणकारी योजनाओं को नाम बदला जा रहा है, उसके ऊपर उड़िया अस्मिता की, उड़िया लोक सभ्यता की, उड़िया भाषा के अनेक असमाधित प्रश्न हमारे मन में है। इसलिए हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव टॉक कर रहे थे वो जाने, हमें भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नहीं था। चलिए, मुद्दे कई और हैं, कुछ और मुद्दे उठाते हैं। महानदी के किनारे जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, हम महानदी के किनारे खड़े हैं, संबलपुर की भूमि है ये। आपने अस्मिता की बात की, उड़िया अस्मिता, लेकिन नवीन पटनायक जी कहते हैं आपने उड़िया भाषा के लिए क्या किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम चीजें, और 25 साल का एक रिकॉर्ड होता है। और नवीन पटनायक जी ज्यादातर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, शांत स्वभाव के, एक रिस्पेक्ट उनकी अलग है पॉलिटिक्स में, क्या इसका सामना करना आसान होगा बीजेपी? देखिए, राजनीति में किसी को भी आसान, राजनीतिक जब चुनाव लड़ाई होता है ना, कोई भी चीज नाविका जी आसान नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, हम भी लड़ी रहे। मैं तो पिछले 2009 से जब चुनाव हमारी अलायंस टूटी, 9 हो 14 हो 19 हो, हम लड़ते लड़ते इस स्टेज तक आए हैं कि आज हम एक नंबर पार्टी बन ही जाएंगे। बाकी रहा आदरणीय नवीन बाबू जी की उड़ीसा के प्रति प्रतिबद्धता, मूल विषय कि इस बार उनकी वारिस कौन होगा, नेतृत्व कौन लोगा, उड़ीसा की भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। मैं हमेशा सीधी सवाल पूछती हूँ, तो आपसे सीधा सवाल पूछूंगी। आप जब पांडियन जी के बारे में कहते हैं, नवीन पटनायक जी के बारे में कहते हैं, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट संबलपुर में दिया है, प्रणब दा आपके खिलाफ खड़े हैं, जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी पक्का जीतेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का अच्छा इलाका है, लोगों की समर्थन। पर्सनल ईगो का सवाल नहीं है क्योंकि नहीं, देखो चुनाव में कुछ पर्सनल नहीं होता है, ये मुद्दे की आधारित राजनीति है। मैं कभी चीजों को पर्सनल नहीं, आप ना ले बीजू जनता दल, अगर उनकी उनकी परिपक्वता के ऊपर निर्भर करता है, उनकी मैच्योरिटी के ऊपर निर्भर करता है, उनके पास। देखिए, मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। पिछले महीना भर की आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी जो आउटसोर्स नेता है, उनकी राजनीति इतने वर्षों से तो उड़ीसा में है। क्या कितने वर्षों से है वो उड़ीसा? 3000 साल की पुराना है वो, 20 साल से आए हैं। अब कितने वर्षों से हैं? 20-22 साल। आप भी तो 3000 साल से नहीं है ना? मैं तो 55 साल से ही हूँ, मेरा जन्मभूमि यही है, मैं ही का हूँ। बिल्कुल, स्वाभिमान होना चाहिए। और चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं उड़िया अस्मिता और उसकी छवि कितनी है यहाँ के राजनीति।
प्रधान जी, समलेश्वरी मंदिर में आपने माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद लिया। पिछली बार मैं फिर राजनीति पे आती हूँ, पिछली बार 8 सीटें 21 में से आई थी और संबलपुर एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब कोई स्ट्रांग होल्ड किसी का ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 3 अलग पार्टियां आई हैं। कांग्रेस आई 2009 में, 2014 में बीजेडी आई, 2019 में बीजेपी आई। इस बार संबलपुर और ओवरऑल लोकसभा ओडिशा से कितनी सीटों का आपका अंदाजा है? मैंने आपको फिर विनम्रता से मेरे बात को रखना चाहूँगा। इस बार पिछले बार हम लोग 38% तक वोट चले गए थे और हमारी प्रतिद्वंदी को 42% वोट मिला। उनको हमको 8 सीट मिला, उनको 12 सीट मिला और कांग्रेस को 1 सीट मिला। इस बार हमारी वोट परसेंटेज जाएगा 45% लोकसभा में। जब 45% वोट होती है तो 21 लोकसभा होती है। ये मेरा एक बड़ा सोची समझी जिम्मेवारी के साथ मैं ओपिनियन देता हूँ। और पिछले जो फर्स्ट फेज की चुनाव हुआ, 4 लोकसभा की चुनाव, हम चारों का 4 सीट जीतने की पूरा स्पष्टता है लोकसभा में। लेकिन विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी डेस्परेट हैं, डर गए हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, ज्यादा बच्चे वालों की बात करते हैं, बस एंटी मुस्लिम स्टैंड लेते हैं। लेकिन विरोधी के पास मोदी जी के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो हमारे बीजेपी के काम के बारे में कोई वो नहीं कह सकते हैं। मोदी जी की भ्रष्टाचार कोई है क्या हमारी सरकार को नहीं कह सकते हैं, मोदी जी की लीडरशिप के बारे में कह नहीं सकते। इसलिए कुछ अनर्गल अनप सनप बोलना उनकी राजनीतिक एजेंडा है पिछले 10 साल से, उसकी खामियाजी वो भोगते हैं, राज्य राज्य में भोगते हैं, केंद्र में भोगते हैं, इस बार भी वो भोगेंगे। लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टीरियल फेस डिक्लेयर नहीं किया है। उड़ीसा में आपने भी तो चीफ मिनिस्टर फेस नहीं डिक्लेयर किया है। हमने कई राज्यों में नहीं किया है, तभी भारतीय जनता पार्टी को सक्सेस आया ही है। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषणा कर दिया है, एक उड़िया होगा, उड़िया में जन्म हुआ व्यक्ति कोई उड़ीसा की मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बात पक्का है। संबलपुर का होगा ये बोले? उड़ीसा का ही होगा, संबलपुर उड़ीसा का भी है। तो धर्मेंद्र प्रधान फिर लोकसभा की तरफ जाएंगे, मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं तो लोकसभा ही चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ की लोकसभा की प्रत्याशी हूँ, मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के लिए प्रचार करना, प्रसार करना, पार्टी के लिए लोगों की, मोदी जी की बात को लोगों तक पहुँचाना, ये मेरा दायित्व है, मैं उस काम पे जुटा हूँ। मेरे उसके आगे पीछे कुछ नहीं दिखता और मैं लोगों के आशीर्वाद, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उसके लिए लोकसभा यहाँ मैं आशीर्वाद प्रत्याशी हुआ हूँ, मैं उसके लिए वोट मांग रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी, विपक्ष का ये भी कहना है कि डिक्टेटरशिप सी चल रही है, एजेंसीज आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका, तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके अंडर हैं और विपक्ष के खिलाफ काम करते हैं। 2 मुख्यमंत्री आपने जेल में डाले, अब बेल पर अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ये भी देखेगी और इस पर भी अपना मन बनाएगी? जनता सब देखेगी नाभिका जी, जिस कारण 2 राज्य के मुख्यमंत्री जेल में हैं, एक आधा कोई बेल में आए हैं, ये लोग कोर्ट भी तो गए थे ना, कोर्ट क्या बीजेपी का है, कई प्रकार की नीचे कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा भी खटखटाए, तो कोर्ट ने क्यों उनकी बातों को नहीं सुना? आप कोई कानून नहीं चलाओगे, आप शराब घोटाला करोगे, आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी दस्तक की जमीन आपके नाम पे करा लोगे, खनिज संसाधन आपके नाम पे करा लोगे, तो देश में कोई संवैधानिक व्यवस्था है कि नहीं है? पर आपकी वॉशिंग मशीन कैसी चल रही है? नहीं नहीं, जो विषय आपको ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग मशीन में, जिनके किन के नाम पे प्रमाण है कि वो लोग बोरी है, किन के नाम पे प्रमाण है, ऐसा तो नहीं। जिनके बारे में आपने कहा था, अजीत पवार, चक्की पी सिंह, वो आज आपके साथ हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। जब देखो कोई भी व्यक्ति आरोपित होना अलग बात है, कोई भी व्यक्ति जब तक कोर्ट में प्रमाणित ना हो और कोर्ट में उसके ऊपर कोर्ट कॉग्निजेंस ना लो, उसके ऊपर तो आरोपी होगा ना। थोड़ी सी चाय हो जाए, क्योंकि चाय पे चर्चा तो बीजेपी का पहले नारा था, 400 पार से पहले का नारा, तो
चाय की चर्चा पे आज देश के लोगों को आप क्या आश्वासन देंगे? धर्मेंद्र प्रधान अपने चश्मे से भारत को जून 4 को कैसे देखते हैं? देखिए, जून 4 को एक बहुत बड़ा विक्रम देश की जनता दिखेगा, बहुत बड़ा लोक आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मिलेगा, ये स्पष्ट है। ये मैंडेट लोगों को भारत को एक लंबी छलांग दिलवाने के लिए है। 2047 की तैयारी, आप हार रहे हैं। चलो 2004 में, जून 4 में ये विषय स्पष्ट हो जाएगा कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। प्रियंका गांधी जी कहती हैं, रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में, ऐसे हाथ हिलाकर चले जाते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते जैसे राजीव गांधी जाया करते थे। देखिए, ये परिवार के मन में एक दुविधा है, उनको लगता है देश हमारी खानदानी बपोती, हमारी जागीर है, इसमें कोई गरीब की बेटा कैसे इतना देश की श्रद्धा को बटोर रहा है और निरंतर बटोर रहा है, लोगों के लिए काम भी कर रहा है, श्रद्धा भी बटोर रहा है, आस्था भी उसके ऊपर है। ये इनकी सामंतवादी लोग ना कभी भी गरीबों को सहे नहीं, कभी भी टॉलरेट नहीं किए। मोदी जी के प्रति उनके मन में जो विद्वेष है, ये उनकी सामंतवादी मनस्थिति का, डिक्टेटोरियल मनस्थिति का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कई वादे आपने तोड़े, नौकरियों के बारे में, महंगाई के बारे में, राहुल गांधी तो कहते हैं कि आते ही नौकरी की गारंटी दे देंगे, वो खटाखट खटाखट पैसे भेज देंगे महिलाओं के अकाउंट में 1,00,000 रुपए, कहीं ना कहीं और पूरा विपक्ष जो एक साथ जुट गया है, डिवाइडेड वोट में आप जीतते थे, कंसोलिडेटेड। काली ममता जी का बयान है कि मैं जिन इंडी को उन्होंने बनाया था, उस इंडी को उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन देंगे, इसी को आप विपक्ष एकता कहते हैं। महाराष्ट्र में सब अपने आपस में लड़ रहे हैं, इसी को विपक्ष एकता कहते हैं। बाकी रहा वायदे पूरा करने का, वायदे अगर हम पूरा ना करते, हमने जो नहीं कर पाए हमने उसको लोगों के सामने स्वीकार किया है और उसके लिए समय मांगा, लोगों ने समय दिया है। तो इसी बात पर चाय पे चर्चा, 4 जून को होती है मुलाकात, और कितनी सीटें आगे कितनी सीटें पीछे जवाब देंगे उस दिन? बिल्कुल, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, आपसे गपशप करूंगा। नतीजा भारतीय लोगों के पक्ष में होगा, भारत को 21वीं सदी में। राहुल गांधी जीते तब भी? देखो, कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है इस चुनाव में, आपको पता बहुत स्पष्ट है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं थी? जो हारने वाले कहते हैं, हारने वाले तो बहाना करते हैं, जीते तो ईवीएम जिंदाबाद, हार जाते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी मुर्दाबाद। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि कोई जनता की ईवीएम हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। चलिए फिर चाय पे चर्चा 4 जून को, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने वादा किया है हमें कि हमारे साथ जुड़ेंगे।